अरे सारा सामान लिया है ना? हाँ सारा सामान ले आया हूँ, बस ड्राई फ्रूट्स का डब्बा रह गया। मैंने कहा था ना कि सारा सामान ले आना आज। मैं बाद में ले आऊंगा। ठीक है कल ले आना। भैया मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने आपको बताया था ना कॉलेज वाले सारे ट्रिप पे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। आपने अब तक पैसे ही नहीं दिए। मैंने आपको कितना टाइम पहले बोला था। अरे हाँ तूने मेरे को बताया था कि तेरी कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप जा रही है, तो मुझे बता दे कितने रुपए लगेंगे, मैं तेरे को दे दूंगा। 3,000 रुपए भैया बस। 3,000? अच्छे से जाइए ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अरे हाँ एक मिनट रुक, जा रही है तो जाते जाते एक गिलास पानी पिला दे, मेरे को प्यास लगी है। भैया मुझे ना पैकिंग भी करनी है और मैं बहुत ज्यादा लेट वैसे ही हो चुकी हूँ। मैं सलमान को बोल दूंगी ना, वो आपको पानी दे देगा। चलो बाय बाय बाय। भैया आपसे एक काम बोला था, आपसे वो काम भी नहीं हुआ। क्या हुआ सलमान, ऐसा क्या हुआ जो मैंने नहीं किया? भैया मैंने आपको बताया था ना, मेरा एक फ्रेंड है कॉलेज में, वो ना रेस्टिकेट हो चुका है। भैया उसकी ना कोई गलती भी नहीं थी, बाहर ना लड़ाई हो रही थी और वो लड़ाई देख रहा था और प्रिंसिपल ने आके ना उसे पकड़ लिया और उसका बिना फालतू में नाम लगा दिया। उस चक्कर में ना वो रेस्टिकेट हो चुका है। और भैया आपको तो पता ही है पेपर ना नज़दीक आ रहे हैं, अगर वो रेस्टिकेट रहेगा तो उसका पूरा साल ख़राब हो जाएगा। आप कॉलेज में हेड बॉय रह चुके हैं ना, प्रिंसिपल आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपकी ना बात मान लेंगे। प्लीज़ भैया एक बार बात कर लो। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूँगा। वैसे मैंने उनसे बात कर ली थी बट पता नहीं शायद उनके दिमाग से निकल गई होगी, मैं उनसे बात करूँगा तो परेशान हो। भैया मुझे नहीं पता, आप ना अभी बात करो। आप ना रोज़ बोलते हो आज करूँगा कल करूँगा, प्लीज़ भैया आज ना अभी बात कर लो आप। अगर आपने बात नहीं करी ना उसका पूरा करियर ख़राब हो जाएगा। चल ठीक है यार मैं अभी बात कर लेता हूँ। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, मैंने एक आपके कॉलेज के केस के बारे में आपसे बात की थी। हाँ जी सर, सर अगर आप उसे माफ़ कर देंगे तो उसकी पूरी साल बच जाएगी सर, आपको तो पता ही है पेपर आने वाले हैं। सर मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपके एक कदम से किसी की पूरी साल बच सकती है। गुड इवनिंग सर। नहीं सर मैंने बात करी, अब तो परेशान मत हो और अपने दोस्त को भी बता दियो ठीक है। थैंक यू सो मच भैया, अगर ये वाली बात मेरे दोस्त को पता लगेगी ना वो बहुत खुश होगा। भैया मैं चलता हूँ। अच्छा बाकी मैं चलता हूँ भैया। बेटा ये ले पानी पी। हरी माँ थैंक यू। और बेटा तेरा ऑफिस का दिन कैसा गया? बस मम्मी ऑफिस में थोड़ा सा टारगेट पूरा नहीं कर पाया इसलिए बॉस ने भी थोड़ा सुना दिया, बाकी कोई बात नहीं, अब घर पे आ गया हूँ ना अब सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा इसमें परेशान होने की क्या बात है, देख हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज तेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ ना, कल तेरा टारगेट अच्छे से पूरा होगा और तेरा बॉस भी तेरी बहुत तारीफ करेगा। तू परेशान मत हुआ कर। अच्छा छोड़, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं गर्मा गर्म तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ नहीं माँ अभी कहीं मत जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए ना आपने मेरे को देखा कि मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ थका थकाया, पर आपने बिना कुछ पूछे मेरे को पानी पिलाया। कितना सब कुछ सोचते हैं आप मेरे बारे में, पर सच बताऊँ तो इस घर में ना आपके जितनी परवाह मेरी कोई नहीं करता। सबने मेरे को अपने अपने काम करवाए, अपने अपनी चीज़ें गिनाने लग गए, अब किसी ने मेरे बारे में पूछा तक नहीं, सब अपनी अपनी डिमांड्स बताने लगे। लेकिन एक माँ ही है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे का भला चाहती है। थैंक यू सो मच माँ, आप जैसी माँ मेरे को मिल ही नहीं सकती, और मैं ये चाहता हूँ कि हर जन्म में मेरे को आप जैसी माँ मिले। अरे बेटा तो दिल क्यों छोटा कर रहा है, ठीक सब तेरे को प्यार करते हैं, तेरी बहन भाई बीवी, बस हाँ उनका प्यार जताने का तरीका अलग हो सकता है। और माँ तो हमेशा ही बच्चे की चिंता करती रहती है ना, तू छोटा सा था तब से तेरे लंच खाने की चिंता मैं करती आई हूँ, इसलिए मेरा प्यार जताने का तरीका अलग है। बाकी सब तुझसे प्यार करते हैं, और कोई नहीं भी करेगा तो मैं तो हूँ ना, जिंदगी भर तेरा ख्याल रखूँगी। तो दिल मत छोटा किया कर अपना। मुझे पता है माँ आप हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेंगी और आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर रहेगा।